हेलो, नमस्कार बच्चों। मैं राजमोहन मीना, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ जूलॉजी इन मोरारका गवर्नमेंट कॉलेज झुंझुनू। आज हम इस वीडियो में बीएससी फर्स्ट ईयर जूलॉजी का पेपर सेकंड, जिसका नाम है सेल बायोलॉजी एंड जेनेटिक्स, जिसके अंतर्गत फर्स्ट सेक्शन और सेकंड सेक्शन के अंतर्गत सेल बायोलॉजी का पोर्शन कवर किया गया है, जबकि सेक्शन थर्ड है उसके अंतर्गत जेनेटिक्स को लिया गया है। तो हम पहले पेपर सेकंड का सेक्शन थर्ड, जिसके अंतर्गत जेनेटिक्स आती है, को पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि जेनेटिक्स का अध्ययन करने से पूर्व कुछ प्रिंसिपल या सिद्धांत दिए गए थे, और या कुछ टर्मिनोलॉजी है, डेफिनेशंस है, उनके बारे में अध्ययन करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। तो जेनेटिक्स के अंतर्गत कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस या परिभाषाएं हैं, जिनमें से एक है हेरेडिटी, जिसको हम इस प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं, ट्रांसमिशन ऑफ करेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम पेरेंट टू प्रोजोनी। अर्थात हेरिडिटी क्या होता है, जिसके अंतर्गत पेरेंट से जो संतति होती है उसमें करेक्टरिस्टिक्स या ट्रेट होते हैं, उनका ट्रांसमिशन या संचरण कैसे होता है, या इस प्रक्रिया को हम हेरिडिटी कहते हैं। नेक्स्ट है इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस के अंतर्गत एक प्रोसेस है जिसके द्वारा जो करेक्टरिस्टिक्स या ट्रेट्स होते हैं, वो किस प्रोसेस के द्वारा ट्रेटों का संचरण पेरेंट्स से प्रोजेनी में या जेनरेशन टू जेनरेशन किस प्रकार से होता है, का अध्ययन किया जाता है। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ करेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम वन जेनरेशन टू नेक्स्ट जेनरेशन। नेक्स्ट डेफिनेशन है वेरिएशंस। अब देखते हैं कि वेरिएशंस या विविधताएं क्या होती है। इसमें देखते हैं कि जो पेरेंट्स होते हैं उनकी जो संतानें होती है वो एक जैसी नहीं होती है, उनमें कुछ विविधताएं पाई जाती है। ये विविधताएं संतानों में किस प्रकार से उत्पन्न होती है, उनको वेरिएशंस के नाम से जाना जाता है। द डिफरेंस बिटवीन द मेंबर्स ऑफ द स्पीसीज विद रेस्पेक्ट टू करेक्टरिस्टिक्स एंड ट्रेट्स वेरिएशंस कहलाते हैं। अब आते हैं हम जेनेटिक्स। जेनेटिक्स के बारे में हम पढ़ेंगे, जैसा कि ये सेक्शन सी है उसके अंदर जेनेटिक्स को कवर किया गया है। तो जेनेटिक्स क्या होती है, साइंस की एक ब्रांच होती है जिसके द्वारा हेरिडिटी और वेरिएशंस का अध्ययन किया जाता है। हेरिडिटी और वेरिएशंस का अध्ययन किया जाता है। हेरिडिटी के अंतर्गत किस प्रकार से ट्रेट होते हैं, करेक्टरिस्टिक्स होते हैं, वो पेरेंट्स से जेनरेशन में किस प्रकार से ट्रांसमिट होते हैं, उनको हेरिडिटी। और वेरिएशंस, एक पेरेंट्स की सभी संतान एक जैसी नहीं होती है, उनमें कुछ विविधताएं पाई जाती है, वो वेरिएशंस होती है। तो ये हेरिडिटी और वेरिएशंस का अध्ययन एक साइंस की ब्रांच होती है जिसके अंतर्गत किया जाता है, उसको जेनेटिक्स नाम दिया जाता है। तो ये जेनेटिक्स टर्म सर्वप्रथम डब्ल्यू बेटसन द्वारा दी गई थी। जेनेटिक्स का फादर मेंडल को कहा जाता है, जैसा कि हम आगे पढ़ेंगे। अब देखते हैं कि ये तो कुछ सामान्य परिभाषाएं थी। अब देखते हैं कि हम जो फादर ऑफ जेनेटिक्स मेंडल को कहते हैं, उससे पूर्व भी जेनेटिक्स के बारे में कुछ अध्ययन हुए थे, जेनेटिक्स के बारे में भी अध्ययन हुए थे। तो मेंडल से पहले जो जेनेटिक्स के बारे में रिसर्च या अध्ययन हुए थे, उनको प्री मेंडेलियन पीरियड का नाम दिया जाता है, और मेंडल का जो टाइम होता है उसको मेंडेलियन पीरियड कहते हैं। और मेंडल की मृत्यु के बाद जेनेटिक्स के क्षेत्र में जो भी रिसर्च अध्ययन हुए हैं, उनको पोस्ट मेंडेलियन पीरियड के नाम से जाना जाता है। तो हम देखते हैं कि जो मेंडल से पहले कुछ अलग अलग फिलोसफर्स हुए थे, दार्शनिक हुए थे, थिंकर्स हुए थे, उन्होंने इस जेनेटिक्स को या किस प्रकार से पेरेंट्स से प्रोजेनी के अंदर करेक्टर
करेक्टरिस्टिक्स और सिम्टम्स का ट्रांसमिशन होता है वो कैसे होता है, उसके लिए कुछ सिद्धांत दिए गए थे जो मेंडल से पहले दिए गए थे, इसलिए इनको प्री मेंडेलियन पीरियड के अंतर्गत रखा गया है और कुछ सिद्धांत प्रमुख है उनको हम यहाँ पर अध्ययन करेंगे। इन सिद्धांतों में प्रथम है मोस्ट बेप्योर थ्योरी, नम बाष्प सिद्धांत, इसको पाइथागोरस के द्वारा दिया गया था। इस सिद्धांत के अनुसार समागम के समय कुछ तरल बाष्प नर और मादा प्राणी के शरीर से निर्मुक्त होती है जो आपस में मिलकर नए जीव को जन्म देती है। अर्थात जब नर और मादा प्राणी आपस में कोपुलेशन या समागम करते हैं तो उनके द्वारा कुछ वेपर का प्रोडक्शन होता है और उसी के द्वारा नए जीव या संतति का निर्माण होता है। ये पाइथागोरस के द्वारा दिया गया था इसलिए इसको, और ये वेपर से रिलेटेड है इसलिए इसको मोस्ट वेपर थ्योरी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है सीमन थ्योरी। एम्पेडोक्लस के अनुसार समागम के समय नर और मादा दोनों प्राणियों से वीर्य का स्राव होता है जो आपस में मिलकर संतति का निर्माण करते हैं। ये भी लगभग उन्हीं का मॉडिफाइड रूप है जो मोस्ट वेपर थ्योरी है। इन्होंने क्या बताया कि समागम के समय नर और मादा प्राणियों से वीर्य सीमन का प्रोडक्शन होता है और उनके आपस में मिलने से नई संतति का निर्माण होता है। नेक्स्ट है रिप्रोडक्टिव ब्लड थ्योरी। इस सिद्धांत के अनुसार इसको अरिस्टोटल ने दिया था और इनके अनुसार नर प्राणी और मादा प्राणी के द्वारा वीर्य का निर्माण होता है जो दोनों में अलग अलग प्रकार का होता है। नर के द्वारा जो वीर्य का निर्माण होता है वो परिष्कृत रक्त या प्यूरिफाइड ब्लड कहलाता है और इसमें नए जीवन को प्रदान करने की क्षमता या कैपेसिटी होती है, जबकि मादा का जो वीर्य होता है वो एक तरह का रज तरल या मेंस्ट्रुअल फ्लूइड होता है और इस फ्लूइड के अंतर्गत या रक्त के अंतर्गत नए जीव को परिवर्तित होने के लिए न्यूट्रिशन या पोषण प्रदान करने की क्षमता पाई जाती है। तो नर रिप्रोडक्टिव ब्लड में तो जीवन प्रदान करने की क्षमता होती है, जबकि मादा रिप्रोडक्टिव ब्लड होता है उसमें पोषण प्रदान करने की क्षमता होती है। तो इन दोनों के मिलने से नए प्राणियों का निर्माण होता है, इसलिए इसको रिप्रोडक्टिव ब्लड थ्योरी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है प्री फॉर्मेशन थ्योरी, पूर्व रचना सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार एक सूक्ष्म प्रतिरूप पहले से ही अंडाणु के अंदर या शुक्राणु के अंदर विद्यमान रहता है, पहले से ही उसका प्रतिरूप या मॉडल पाया जाता है, इसलिए इसको प्री फॉर्मेशन थ्योरी, पूर्व रचना सिद्धांत, अर्थात पहले से ही उसकी रचना हो जाती है। पूर्व रचना सिद्धांत के अनुसार भ्रूण एक सूक्ष्म रूप में पहले से ही अंडाणु और शुक्राणु में विद्यमान रहता है। अब इसके भी दो मत हो गए थे, कुछ वैज्ञानिकों के अनुसार ये सूक्ष्म प्रतिरूप होता अंडे के अंतर्गत पाया जाता है, कुछ के अनुसार ये स्पर्म के अंतर्गत पाया जाता है। तो इस प्रकार से पूर्व रचना सिद्धांत को मानने वालों का दो ग्रुप हो गया था। कुछ वैज्ञानिकों के अनुसार यह सूक्ष्म प्रतिरूप अंडों में पाया जाता है। इस मत को मानने वाले प्रमुख वैज्ञानिक मेलफिगी, स्पेलेंजानी, बोनेट, हेलर एंड सोमरडेम थे। कुछ वैज्ञानिकों के अनुसार यह अनुसार भ्रूण का छोटा प्रतिरूप शुक्राणु के शीर्ष में पाया जाता है। इन वैज्ञानिकों को स्पर्मिस्ट या एनिमल क्रिस्ट कहा गया, अर्थात इनके अनुसार जो छोटा प्रतिरूप होता है वो स्पर्म के अंतर्गत पाया जाता है। इस सिद्धांत को स्पर्मिस्ट थ्योरी कहा जाता है। इस मत को मानने वाले प्रमुख वैज्ञानिक थे ल्यूवेनहॉक और हॉर्स्ट सॉकर थे। ल्यूवेनहॉक के अनुसार शुक्राणु के शीर्ष में पाए जाने वाला यह छोटा प्रतिरूप होमनकुलस या एनिमल कुल कहलाता है। ल्यूवेनहॉक के अनुसार शुक्राणु के शीर्ष में पाए जाने वाला जो छोटा प्रतिरूप होता है उसको होमनकुलस या एनिमल कुली के नाम से जाना जाता है, जहां पर यह छोटा प्रतिरूप उसका दिखाया गया है जिसके अंतर्गत ये स्पर्म है उसका हेड है, उसके अंदर ये छोटा प्रतिरूप है जिसका ये हेड, उसका ये पूरा पार्ट मिनिएचर, ये टेल वाला रीजन है, ए मिनिएचर ऑफ एडल्ट इन स्पर्म। एडल्ट का जो मिनिएचर होता है वो स्पर्म के हेड में पाया जाता है। नेक्स्ट थ्योरी है
थ्योरी ऑफ पेंजिनेसिस, इसको चार्ल्स डार्विन के द्वारा दिया गया था। इस सिद्धांत के अनुसार प्राणी की कोशिकाओं, अंगों, ऊतकों के द्वारा छोटे छोटे टिनी पार्टिकल्स या छोटे छोटे कणों का निर्माण होता है और इन छोटे छोटे पार्टिकल्स या कणों को पेंजीन्स या जिम्यूल के नाम से जाना जाता है। छोटे पार्टिकल्स क्या कहलाते हैं? पेंजीन या जिम्यूल्स। ये पेंजीन्स या जिम्यूल होते हैं, रक्त के द्वारा प्रजनन अंगों में चले जाते हैं और समागम के समय दोनों पैतृकों के पेंजीन्स का संलयन होता है और नए भ्रूण का निर्माण होता है। अर्थात चार्ल्स डार्विन के अनुसार ऊतकों, कोशिकाओं, अंगों के द्वारा छोटे छोटे कणों का निर्माण होता है जिनको पेंजीन या जिम्यूल नाम दिया जाता है और ये पूरे शरीर में ब्लड के द्वारा प्रजनन, पूरे शरीर से ब्लड के द्वारा प्रजनन अंगों में पहुंच जाते हैं और बाद में ये प्रजनन अंगों से नर और मादा में जब समागम होता है तो ये संतति में चले जाते हैं और संतति का निर्माण हो जाता है। तो इसको पेंजिनेसिस थ्योरी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है पार्टिकुलेट थ्योरी, इसको मोपर्टियस के अनुसार, मोपर्टियस के द्वारा दिया गया था। उन्होंने क्या बताया कि प्रत्येक प्राणी प्रजनन के लिए छोटे छोटे कण या माइन्यूट पार्टिकल्स प्रोड्यूस करता है, उत्पन्न करता है और लैंगिक प्रजनन के दौरान नर और मादा द्वारा उत्पन्न ये कण संगलित होकर नई संतति का निर्माण करते हैं। एक तरह से ये पेंजिनेसिस थ्योरी के जैसा ही है। तो यहाँ पर क्या है कि प्राणी के द्वारा जो प्रजनन अंग होते हैं उनके द्वारा छोटे पार्टिकल्स या माइन्यूट पार्टिकल्स का प्रोडक्शन किया जाता है और ये नर और मादा द्वारा प्रजनन के द्वारा जब संगलित होते हैं और नई संतति का निर्माण कर देते हैं। तो अब तक हमने ये कुछ थ्योरीज पढ़ी थी। इसके बाद एक नए सिद्धांत आया था, ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस। अर्थात ये ट्रेट्स होते हैं और या करेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो आपस में ब्लेंड हो जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं, मिश्रित हो जाते हैं, तो उसी के नाम पर इसको ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस कहते हैं। ड्यूरिंग द ट्रांसमिशन द ट्रेट ऑफ पेरेंट्स गॉट मिक्स्ड। अर्थात प्रजनन के समय या जो कॉपुलेशन करते हैं, समागम करते हैं पेरेंट्स, उस दौरान ये ट्रेट्स होते हैं तो वो संतति में ट्रांसमिट होते हैं और वो आपस में मिक्स हो जाते हैं, तो इनको ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस के नाम से जाना जाता है। लेकिन कुछ इस ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस के अपवाद या एक्सेप्शंस है जो ये सिद्धांत वहां पर फिट नहीं होता है। जैसे यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म में लैंगिक लक्षण या ट्रेट का मिश्रण नहीं होता है या ब्लेंड नहीं होते हैं। जो एक लिंग प्राणी होती है उनमें क्या है, नर और मादा होते नहीं है और उनमें क्या है, कॉपुलेशन नहीं होता है, तो एक ही जीव के द्वारा विखंडन वगैरह है, बाइनरी फिशन है, उनके द्वारा प्रजनन होता है, तो वहां पर ये ब्लेंडिंग नहीं होती है। तो ये ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस का अपवाद है। नेक्स्ट है डार्क स्किन फादर और फेयर स्किन मदर के बच्चे हमेशा इंटरमीडिएट कलर के नहीं होते। सामान्यतः ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस क्या कहती है कि उनके अनुसार डार्क और फेयर को मिलाते हैं तो उनके इंटरमीडिएट मध्य का कलर डेवलप होना चाहिए, लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होता है। कुछ में इंटरमीडिएट कलर होते हैं, किसी के डार्क होते हैं, किसी का फेयर होता है, तो एक ही पेरेंट्स के सारे जो बच्चे होते हैं वो इंटरमीडिएट नहीं होते हैं, जबकि इस ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस के अकॉर्डिंग होना चाहिए। तो इस प्रकार से इसके कुछ ये एक्सेप्शंस या अपवाद है। तीसरा अपवाद है यहाँ पर ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस का, एटाविज्म या रिवर्सन के नाम से भी इसको जाना जाता है। इसके अंतर्गत का क्या होता है, कभी कभार माता पिता से जो संतति प्रोड्यूस होती है उसके जो करेक्टर्स होते हैं या ट्रेट होते हैं वो पेरेंट्स से नहीं मिलते हैं, जबकि उसके दूर जो एंसेस्टर, डिजिटल एंसेस्टर्स होते हैं या दूर के पूर्वज होते हैं उससे उनके सिम्टम्स मिल जाते हैं। तो इस प्रकार से, इस प्रकार की जो प्रक्रिया होती है उसको एटाविज्म के नाम से जाना जाता है। इसमें होता क्या है कि जब करेक्टरिस्टिक्स या ट्रेट्स होते हैं, कुछ ट्रेट्स ऐसे होते हैं जो कई पीढ़ियों तक लगातार क्या है, छिपे हुई अवस्था में रहते हैं और एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में चलते रहते हैं और वो अपने आप को प्रदर्शित या एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, लेकिन कई पीढ़ियों बाद वो अपने आप एक्सप्रेस होते हैं और उनके जो ट्रेट या करेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो अपने दादा दादी उनसे क्या है, मैच करते हैं। तो इस प्रकार से कई पीढ़ियों बाद इस प्रकार के जो ट्रेट्स होते हैं वो एक्सप्रेस होते हैं, उनको एटाविस्टिक ट्रेट्स के नाम से जाना जाता है और इसके इनहेरिटेंस को एटाविज्म कहा जाता है।
जैसे एटाबिज में दूर पूर्वज के लक्षणों का संचरण संतति में न हो कि पैतृक के लक्षणों को। इस प्रकार के लक्षणों को एटाविस्टिक ट्रिट्स कहते हैं। इस प्रकार के ट्रिट्स कई पीढ़ियों तक अनएक्सप्रेस्ड रहते हैं और बाद में किसी पीढ़ी में एक्सप्रेस्ड होते हैं, जैसे ट्रिट्स इन ह्यूमन बॉडी, नोज ऑफ द ग्रैंडफादर, जैसे दादा दादी की जो नोज होती है, हाइट्स वगैरह होती है, कलर होता है, वो कई पीढ़ियों बाद उसके पोते पर पोते में दिखाई देने लगता है। तो इस प्रकार के जो ट्रेट्स होते हैं वो एटाविज्म कहलाते हैं। तो यहाँ पर जो ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस है उसका ये अपवाद है। तो यहाँ पर हमने कुछ प्री मेंडेलियन सिद्धांत जो मेंडल से पूर्व में दिए गए थे उनके बारे में अध्ययन किया था। अब आगे की वीडियोज में हम मेंडल के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।